हे फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मेरा वीडियो देखते रहे। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ और आज मैं साड़ी पहनी हूँ। देखिए, और मैं जा रही हूँ किचन में। फ्रेंड, मेरा काम ही किचन का है, दिन भर किचन किचन किचन। मैं आ गई किचन में और किचन में मुझे क्या काम है, किचन में मुझे चावल बनाना है फ्रेंड। और सारा कुछ तो सुबह ही मैं बना दी थी, पर इस टाइम चावल बनाना है। तो मैं चावल बिठा के आप लोग से मिलती हूँ, तो बातें करती हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड, मेरा चावल बैठ गया है, चावल बिठा दिए और मुझे लगा हुआ है प्यास, तो मैं पानी पीऊँगी। डायरेक्ट मैं फ्रिज से निकाल के नहीं पीती हूँ पानी, कुछ नॉर्मल और कुछ ठंडा मैं दोनों मिक्स करके पीती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी मुझे हर्जा करता है। और मैं पीऊंगी पानी। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि पानी गिलास से पीना चाहिए, बोतल से नहीं पीना चाहिए, पानी का अपमान होता है। तो इसीलिए मैं गिलास से पानी पीती हूँ। अब मेरे जैसा कौन कौन गिलास से पानी पीते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत कुछ बातें हैं पर मैं हर चीज़ बताना नहीं चाहती हूँ, ये मुझ में कमी है। पता है फ्रेंड, मुझे हर चीज़ बताने में अच्छा नहीं लगता है। क्या कर, पता है पहले मुझे लगता था ना वीडियो बनाना कितना इजी है, पहले मैं पानी पी लूँ तो आप लोग से बात करती हूँ। सुबह मैं कपड़ा डाल देती हूँ सूखने के लिए, और उसके बाद 11 बजे से 10 11 बजे से हवा बहुत तेज चलने लगता है, तो मैं सारा कपड़ा उठा के वैसे ही डाल देती हूँ। ये सूख जाएंगे तो मैं इसको फिर फोल्ड करके जो टांगने वाले होंगे उसको टांग दूंगी, और जो फोल्ड करने वाले होंगे उनको फोल्ड कर दूंगी। तो मैं ऐसे कपड़ा सुखाती हूँ, इसलिए पीछे कपड़ा दिख रहा है। ऐसा आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कैसे रखी हुई मैं, तो ऐसा नहीं है, सूखने के लिए डाला हुआ। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि वीडियो बनाना फ्रेंड इतना इजी नहीं है। पता है क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग हैं तो हम लोग को तो पल में अच्छा लगता है, तो पल भर में टेंशन, बहुत टेंशन हो जाता है, मन एकदम अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल बेकार लगता है। और जब थोड़ा सा भी आपको टेंशन होता है तो कैमरा उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं, कि मैं कब कैमरा छूँ या कैमरा उठाऊँ या वीडियो बनाऊँ, कुछ भी नहीं। तो उस टाइम लगता है कि मैं बेकार चैनल बनाई, बेकार वीडियो वाला काम स्टार्ट की, मुझसे नहीं होगा। और हम जैसे को तो पल पल टेंशन होना ही होना, क्योंकि देखिए देखने में लगता है कि एक का कमी है, एक इंसान का कमी है, लेकिन फ्रेंड नहीं, एक इंसान के साथ साथ कितना चीज का कमी होता है शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता है। एक की वजह से कितना कमी महसूस करना पड़ता है इंसान। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि वीडियो बनाना बहुत भार है, क्योंकि देखिए अगर मैं रोज वीडियो नहीं बना पाऊंगी तो मेरा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा, चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा तो फिर चैनल पे आने का क्या फ़ायदा, चैनल बनाने का क्या फ़ायदा, वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा इसमें क्या है। रोज़ वीडियो बनाइए, अधिकतर लोग क्या करते हैं 2 3 4 वीडियो अपलोड करते हैं, मतलब जितना बन सके उतना वीडियो अपलोड कर सकते हैं, करते हैं।
मैं बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हूँ, इतना टेंशन में रहती हूँ कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। बता नहीं सकती हूँ कितना टेंशन में रहती हूँ। बच्चे लोग जब कुछ बोलते हैं ना, क्या बताऊँ, मतलब ये दुखने लगता है जब बच्चे लोग कुछ बोलते हैं तो इसमें दर्द उठता है। ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं फ्रेंड, बहुत ज्यादा समझदार हैं। शायद भगवान इसलिए ही समझदार बनाए थे कि लोगों को कष्ट बहुत ज्यादा झेलना है। बच्चे बहुत समझदार हैं, सब चीज समझते हैं, हर कुछ समझते हैं, हर परिस्थिति समझते हैं। मेरा नसीब खराब था ही, साथ साथ बच्चों लोग का भी नसीब खराब हो गया। सोच के ना फ्रेंड बहुत, मैं रोना भी नहीं चाहती हूँ, इतना गंदा फील होता है, इतना गंदा फील होता है कि मैं क्या लगता है चावल हो गया क्या। एक मिनट देखिए मैं क्या कारनामा कर दी थी। ये जो है ना ये वाला, ये इसी में मैं ऐसे छोड़ के चली गई थी ऐसे, तो प्रेशर तो बांधेगा नहीं तो सीटी कैसे देगा। वही सोची इतना आवाज़ तो करता नहीं है कुकर, ऐसे आवाज़ क्यों कर रहा है, ऐसे रहेगा तो प्रेशर निकलते रहता है, इसको नीचे खींचेंगे तब जाके प्रेशर लेता है। गलती हो गया, कभी कभी हो जाता है। पता है फ्रेंड जब समय खराब होगा ना तो हर तरह से समय खराब होता है, कहीं से भगवान निकलने का मौका नहीं देते हैं। आप लोग को पता होगा, पता होगा क्या पता है कि मेरी बेटी को केवी में एडमिशन हो गया था, मैं वहाँ गई भी थी जहानाबाद, एक साल रही थी। सबका यही मानना था कि ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर ऐसे तो सब लोग बोल रहे थे कि 3 माह में ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर फिर 3 माह में नहीं हुआ। मैं 6 माह रुकी, 1 साल रुकी, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हुआ। लास्ट में मेरा तो मन था कि मैं वहीं रह जाऊँ, क्या करना है, बच्चे हर दिन से आना हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरा भी सहारा हो जाएगा, हमको भी हिम्मत मिलेगा। पता है बच्चे एक भी कुछ काम करते हैं ना, एक भी कुछ वैसा बात बोलते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलता है। उतना किसी के बात से मुझे संतुष्टि नहीं मिलता है जितना बच्चे के बात से संतुष्टि मिलता है। मेरे बच्चे ऐसे बोले, तो मेरा मन था कि मैं रुक जाऊं, लेकिन पापा बोले कि नहीं, एक दिन का बात नहीं है, सो कितना दिन अकेले रहेगी, 12 साल का बात है, क्योंकि उस मतलब 12th वहीं से करती फ्रेंड। बिना ट्रांसफ़र के मैं यहाँ चली आई पटना, यहाँ आई, दोनों बच्चों को एक ही स्कूल में एडमिशन करवाई। सोचिए मेरा खर्च कितना बढ़ गया, दो दो बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, प्राइवेट का फीस आप लोग को पता होगा कितना होता है। गार्जियन तो एकदम नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, सब निचोड़ लेते हैं, जैसे नींबू से हम लोग एक एक रस निचोड़ते हैं ना, वैसे ही ये लोग भी निचोड़ लेते हैं। फ्रेंड क्या बताऊँ, मैं 1000 का सिर्फ मैं साइंस का कॉपी लाई हूँ, साइंस और कंप्यूटर। सोचिए पढ़ाई 22.5 होता है, लेकिन फैसिलिटी तो इतना ज़्यादा है कि मैं क्या ही बताऊँ। अगर ट्रांसफ़र हो जाता तो मुझे एक ही बच्चा का लोड था, एक बच्चा केवी में पढ़ती और एक को अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा देती, तो मुझे लोड कम हो जाता ना, लेकिन नहीं, भगवान को मेरा खुशी मंजूर कैसे होगा, नहीं हो सकता है ना। वही बोल रहे हैं समय जब खराब होता है तो हर तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं, कहीं से निकलने का मौका नहीं मिलता है कि मैं इधर से निकलूं। Thank you.
बता सकती हूँ, क्योंकि देखिए आप लोग अच्छा अच्छा बात बोलूंगी तभी तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। अगर मैं अपना ही दुखड़ा लेकर बैठ जाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसीलिए मैं आप लोग को कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। लेकिन अब सोशल मीडिया पे आई हूँ, आप लोग को परिवार बनाई हूँ, तो कुछ ना कुछ बताना भी बनता है। ऐसे मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग को कुछ बताऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो फ्रेंड बस आज के लिए रहने देते हैं, इतना काफ़ी है, क्या करें। आँख इतना जल रहा है फ्रेंड, बता नहीं सकती। पता है नींद पूरा नहीं होता है, रात में 10:30 तक सोती हूँ और सुबह मैं 4:30 में जग जाती हूँ, लेकिन मेरा नींद 2:30 से 3 के बीच में खुल जाता है, उसके बाद मुझे नींद नहीं आती है। जगे 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 वही 4:30 में जगती हूँ, तो फिर नीचे आके और कुछ कुछ करके बच्चे लोग को लंच बनाती हूँ, क्योंकि वो लोग को 6 बजे निकलना रहता है, तो इस वजह से मेरा नींद पूरा नहीं होता है। आँख हमेशा जलते रहता है, हमेशा जलन होते रहता है आँख। तो बस फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका 1 सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना कभी नहीं भूलिएगा, जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास जरूर पहुँचे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, वीडियो को शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इसी के साथ सभी को। और हाँ फ्रेंड, पता नहीं आप लोग से बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना श्री शिवाय नमस्ते, हम पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताए थे कि ये मंत्र बोलना चाहिए, लेकिन कल प्रेमानंद महाराज जी बोल रहे थे कि शंकर जी का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र और क्या क्या मंत्र, तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बिना गुरु के दिए हुए गुरु कान में बोलते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो हमेशा वीडियो में बोलती हूँ कि आप सभी को श्री शिवाय नमस्ते, पता नहीं हम उनसे गलत हो रहा है क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इस बात पर ध्यान मैं भी दूंगी और उनका वीडियो सुनूंगी क्या बोलते हैं क्या नहीं। तो बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और अब वो नहीं भूलते सभी को राधे राधे।